आलू की खेती करने वालों के लिए आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एक आधुनिक तरीका इजाद किया है जो फसल को बीमारी से बचाने के लिए मददगार साबित होगा। शोधकर्ताओं ने जटिल कंप्यूटेशनल मॉडल से एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का निर्माण किया है जो आलू के पत्तों की तस्वीरों से ब्लाइट यानी झुलसा रोग का पता लगाएगा। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीनिवासन के मार्गदर्शन में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के सहयोग से जारी शोध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से पत्तों के रोगग्रस्त हिस्सों का पता लगाने में सफलता हासिल की है। अमूमन आलू को ब्लाइट रोग लगता है और यदि समय पर इसकी रोकथाम ना की जाए तो यह एक सप्ताह के भीतर पूरी फसल तबाह कर देता है। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए विशेषज्ञों को खेतों में जाना पड़ता है और गहनता से इसकी जांच करनी पड़ती है जिसके बाद ही रोग का पता लगता है। लेकिन अब कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन से मात्र पत्तों की तस्वीरें अपलोड करने से ही यह पता चल जाएगा कि फसल को रोग लगा है या नहीं। यदि लगा है तो समय पर इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। डॉक्टर श्रीकांत श्रीनिवासन ने बताया कि अभी तक इसके 98% सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस सारे शोध का खर्चा भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। हाल ही में इसके परिणामों का प्रकाशन प्लांट फिनोमिक्स नामक जर्नल में किया गया है। यह मॉडल पूरे देश में पोर्टेबल हो इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मॉडल की सफलता के बाद आईआईटी मंडी की टीम इसको छोटा कर लगभग 10 मेगाबाइट का बना रही है ताकि इसे स्मार्टफोन पर बतौर एप्लीकेशन उपलब्ध कराया जा सके। इस पर अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है। इस तरह किसान के रोगग्रस्त दिखते पत्तों की तस्वीर लेने पर यह एप्लीकेशन रियल टाइम इसकी पुष्टि कर देगा कि पत्ता रोगग्रस्त है या नहीं। किसान को समय से पता चल जाएगा कि खेत में रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव कब करना है ताकि उपज खराब नहीं हो और फंगस नाशक की फिजूल खर्ची भी नहीं हो। Blight is a common disease of potato that starts off as light green lesions and then quickly spreads into dark necrotic patches which are either dark brown or purple black. And under the conducive conditions, the blight disease can spread across the entire field of a potato farmer within a matter of 1 week, thus destroying the entire crops. Unfortunately, in India, as with other developing countries, it is not easy to access a trained horticultural expert in remote regions who can quickly go to the field, survey and detect the presence of potato blight. If this were possible, then the farmers would be able to apply timely remedies to save their crops. One of the advantages that we now have is with the proliferation of smartphones, it has become easy for farmers to quickly take an image of the plant and detect if there is disease. And even if they detect disease, to be able to identify what is the right disease. This is where advanced machine learning and deep learning algorithms come into play. And this is what researchers at the Indian Institute of Technology Mandi, led by my team, have been working on. The model that we have developed runs on a high performance machine that has 96 gigabytes of RAM. This, of course, is not possible for the ordinary farmer. Therefore, we are now working on reducing the model size so that it can go down to a few tens of megabytes and be hosted on a regular smartphone. And that's what we are working on right now. And I can talk a bit about it as well. Lifetimes TV के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।